गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आज जो कि हम दोबारा से पदरशल्ला बनाने वाले हैं, जो कि दो आँखों वाला पदरशल्ला, जो कि हमने जो कि पिछली वीडियो में जब भी हमने बनाई थी जो कि सादा सा पदरशल्ला बनाया था, लेकिन जो कि आज की वीडियो में हम आपको दो आँखों वाला पदरशल्ला बनाने वाले हैं। गाइस आज की वीडियो हमने शुरू से लेकर एंड तक लास्ट भी देखना है। अगर आज चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे और लाइक शेयर कर ले। और आते हैं वीडियो की तरह, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारे पास जो कि हमने जो कि पदरशल्ले बनाने के लिए जो कि तीन तार लेकर आए हैं, ठीक है। इनमें से जो कि चूज करेंगे कौन सा तार हमारे लिए बेस्ट है। तो ये देख सकते हैं गाइस हमारे पास जो कि दो स्टिक्स वगैरह आ जाती है, टेप आ जाती है, कैंची आ जाती है और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देख भी सकते हैं कितने प्रोफेशनल तरीके से ये तार वगैरह है। तो जो कि आज की वीडियो हमने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना, ठीक है। जो कि ये वाला स्टिक्स आ जाते हैं और जो कि मैंने ऑलरेडी से ये धागा वगैरह टूटा हुआ है। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले आ जाती है कैंची वगैरह, ठीक है, जिससे हमने तार वगैरह का फ्रेम वगैरह काटना है। उसके बाद हमारे पास ये टेप वगैरह आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ये स्टिक वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी से ये धागे से लिवेट कर अच्छी तरीके से हमने गिरा बांध कर जो कि तिले रेडी किए हुए हैं। और जो कि हमारे पास जो कि तीन ऑलरेडी तार आ जाते हैं, ठीक है। इनमें से हम चूज़ कर लेंगे, दो तार निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि एक तार का हम फ्रेम वगैरह बना लेंगे, एक तार का जो कि हम आइस वगैरह बना लेंगे, मतलब कि दो आँखें बना लेंगे, ठीक है। तो गाइस इसको सबसे पहले हम चूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है, ये पीला जो कि हम तार ऑलरेडी इसको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो जो कि हम इन दोनों का बनाएंगे ये देख भी सकते हैं गाइस, ये बहुत अच्छे मतलब प्रोफेशनल तरीके से हमारा जो कि दो क्लिक काइट बनेगा पदरशल्ला, मतलब कि ये देख भी सकते हैं गाइस। जो कि हम इसको अब क्या करेंगे गाइस, इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जिस तरह से आपका भाई लगा हुआ, ठीक है। दो क्लिक काइट बनाना बड़ा ही आसान है, तो ये देख भी सकते हैं गाइस आपका भाई जो कि इस तरह से आपने फोल्ड वगैरह कर लेना है, ठीक है, ये देख भी सकते हैं गाइस। इसके बाद हमारे पास ये कैंची वगैरह आ जाती है, ठीक है। इससे हमें क्या करना है गाइस, जो हमने फोल्ड वगैरह किया यहाँ से हम इसको कटिंग का वगैरह कर देंगे, ये देख भी सकते हैं गाइस जिस तरह के आका भय लगा हुआ है, इस तरह से आने कटिंग वगैरह कर लेने हैं, ठीक है। कटनी करनी बहुत ही आसान है, खा के नीचे करनी, ये देख भी सकते हैं गाइस आके भाई ने जो कि कटिंग वगैरह कर लिया, ठीक है। अभी क्या करेगा गाइस, इसको यहाँ से हम फोल्ड वगैरह कर लेंगे, यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे पदरशल्ला बनाने के लिए। तो गाइस ये देख सकते हैं आगे भाई ने जो कि पदरशल्ले का साइज वगैरह फ्रेम वगैरह काट लिया। अभी क्या करेगा गाइस, ये देख सकते हैं हमारे भाई ये तीले आ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस ये देख भी सकते हैं, ठीक है, तीले का ये देख सकते हैं, ये हमारे पास तीला आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको उतार देंगे, ठीक है, और यहाँ से साइज के मुताबिक लेकर यहाँ से हम तीला काट देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं हमने यहाँ से भी काट दी। अभी ये देख सकते हैं जो कि हमारा जो कि तीला इसके बराबर आ चुका है, जो कि इसके बाद टेप वगैरह आ जाती है, ठीक है, यहाँ हम टेप वगैरह लगाएंगे। तो गाइस हमारा जो कि पदरशल्ला बन चुका है, अब जो कि पदरशल्ले की हम आंखें वगैरह बना लेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें यह चाहिए होगा, ठीक है, आपके पास जो भी कुछ है। तो मेरे पास जो कि इस टाइम ये वाला है, ठीक है, इससे हम जो कि इसकी आइस वगैरह बनाएंगे, ये देख सकते हैं गाइस। तो
तो गाई ये देख सकते आके भाई ने जो कि ये फदर शल्ला वगैरह बना लिया, ये देख भी सकते दो किल मतलब के दो खेल शल्ला बना लिया है, मतलब के दो आंखें लगा ली आके भाई ने जो कि प्रोफेशन तरीके से ये फदर शल्ला बना लिया। अब इसको उड़ाना शुरू कर। तो भाई ये देख सकते आका भाई जो कि शल्ला आपके भाई ने जो कि ये देख सकते प्रोफेशन तरीके से रेडी शूटिंग कर लिया। अभी जो कि ये देख सकते तिले मतलब के ये तला में शुमार डालेगा, अभी आका भाई ये इसको उड़ाना शुरू करेगा। तो गाइस जो कि मैंने सुराग वगैरह पहले से कर लिया है, रेडी मैंने किया हुआ है, अभी जो कि ये तलावे शवे डालने की बारी आ जाती है। ये देख भी सकते गाइस जो कि मैं सुराग में से ये अपनी डोर वगैरह निकाल रहा हूँ, ठीक है, जो कि अच्छी तरीके से ये हमारे गुड्डों को तलावे शवे डाल जाए तो उड़ाने के लिए जो कि बहुत ही आसानी हो जाए। ये देख भी सकते गाइस अभी आपका भाई यहाँ से भी गिरा बांधेगा, ठीक है भाई ये देख भी सकते हैं, ठीक है। तो गाइस फदर शल्ला जो कि आपने देख लिया होगा किस तरह से बना सकते हैं घर में, ठीक है, बनाना जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, तो आप वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है, उसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कि मैंने तलाव में शवें डाल लिया, ये देख भी सकते हैं गाइस हमारा जो गुड्डा वो उड़ने के लिए रेडी छुट्टी हो चुका है। अभी यहाँ से हम थोड़े से गिरा वगैरह बांध देंगे, फिर इसको उड़ाने के लिए जो कि हवा में छोड़ देंगे, आज़ाद इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये देख भी सकते हैं अभी जो कि यहाँ से हमें इसको फांसी वगैरह देने वाला हूँ, मतलब कि गिरा देने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस ये देख भी सकते हैं आपका भाई ने जो कि बना लिया, ये देख सकते हैं हमारा जो कि गुड्डा जो कि फदर शल्ला देख सकते कितना प्रोफेशन तरीके से हमारा बन चुका है। अभी इसको उड़ाना शुरू करेंगे, ये देख भी सकते हैं गाइस, ठीक है, ये देख सकते हैं अभी जो कि हवाओं में जाने वाला है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख भी सकते हैं गाइस जो कि हमारा गुड्डा जो कि फदर शल्ला हवाओं में चल चुका है, ठीक है, ये देख रहे हैं वो जाइए यार, अब देख सकते हैं कितना खूबसूरत से ये हमारा गुड्डा उड़ चुका है हवाओं में। तो गाइस जो कि ना बदल शुद्ध जो कि इस टाइम जो कि सर्दियों के दिन है, ठीक है, जो कि सूर्य वगैरह निकलता है, तो गाइस ये देख सकते हैं हमारा गुड्डा इसलिए काला वगैरह नज़र आ रहा है क्योंकि जो है गुड्डे का रंग भी जो कि ब्राउन है, ठीक है, तो आपको जो कि वाइट नज़र आएगा जो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आपको ये लोग अच्छा लगा होगा, तो गुड्डा जो कि हमारा प्रोफेशन तरीके से बन चुका है, जैसे कि आप देख भी सकते ये उड़ता भी है, ठीक है।